जी। सो हेलो एसएससी स्टूडेंट्स, मैं अभी कुछ न्यूज आर्टिकल्स ही पढ़ रहा था, तो उसमें जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स का टेंटेटिव डेट जो सीआईएससी रिलीज करने का बात कर रहा है, क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, एज पर डिफरेंट आर्टिकल्स, ये मैं एक खाली जागरण जोश का आर्टिकल खोल रखा हूँ, बट जितने भी है सब अप्रोक्सीमेट डेट 9th या 10th में ही बता रहे हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट अपरेंट कि लगभग 9 या 10 तारीख के करीब आप लोगों का रिजल्ट्स आ जाएगा। इसमें सर एक दो चीजें और मैं बता रहा हूँ। जनरली जो होता था जो रिजल्ट्स का डेट मुझे याद आता है वो 16-17 मई के अराउंड होता था। इस बार जो मुझे स्कूल से मतलब स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से पता किया होगा स्कूल के, तो जो मुझे उससे समझ में आया कि इस बार चेकिंग काफी पहले शुरू हो गई थी, एंड सो क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गया था पहले ही, तो चांसेस आर कि रिजल्ट भी 5-7 दिन पहले आ जाएगा। अकॉर्डिंगली 10 मई इज द एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, अगर आप क्लास 10 में हो तो आई एम श्योर आप लोग अपने क्लास 11 की पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे, कुछ टॉपिक्स क्लास 11 के खत्म कर दिए होंगे। बट अगर आप क्लास 12 में हो, मीन आपने 12 का बोर्ड दिया था, अब आप रिजल्ट अवेट कर रहे हो, तो आप आई एम श्योर आप दो तीन में से एक कैटेगरी में हो। नंबर 1, या तो आप कॉलेज एग्जाम जैसे सीयूईटी आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, इफ नॉट दैट देन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीए सीएस सीएमए के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, और अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो तीसरा आप बस रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे जिससे आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिलता है कि नहीं। अगर कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज रिमेंबर कि दो तीन क्राइटेरिया आप लोग बनाकर चले। 12th के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, फिर गाइज क्लास 10 के स्टूडेंट्स आप लोग रुक जाना, आप लोग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 12th के बाद अगर आप लोग कॉलेजेस का सोच रहे हो ना, केवल कॉलेज का, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो फर्स्ट कॉलेज दिमाग में नहीं रखना होता, आपको 3 या 4 बैकअप सोचना पड़ेगा। नंबर 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, और ये लगभग तय है कि 1, 2 या 3 में ही हो जाता है स्टूडेंट्स का, फोर्थ ऑप्शन सोचना ही नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली आई विश कि आप लोगों का फर्स्ट में हो जाए, बट बिकॉज सीट्स लिमिटेड रहते हैं दैट्स व्हाई आई सेड फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। बराबर, अब बात कर रहा हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स से। गाइस 10 के स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ जो अब बेसिकली 11 में मूव किए, अगर आपको फ्यूचर में का मतलब है 12 के बियॉन्ड कोई भी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना है, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि 11 12 में आपको स्कूल में मैथ्स मिला हो या स्कूल में मैथ्स नहीं मिला हो, स्कूल में मैथ्स मिला हो या नहीं मिला हो, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। रीजन इज कि 12th के बाद हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगभग सी ए सी एस सी एम ए सी एफ ए में आपका एमबीए में आपका मैथ्स का स्किल्स चेक होगा ही होगा, सीयूईटी आईपी मैट आपका मैथ्स का स्किल चेक करेगा ही करेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो डिलेमा था कि 11th 12th में मैथ्स नहीं मिला तो या मिला तो, अरे कुछ भी हो, नॉलेज तो आप साइड में प्रिपेयर कर सकते हो ना, तो मेक श्योर यू आर डूइंग द सेम। सी यू ऑल एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट एवरीवन।